तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने लाइव स्ट्रीम पे लाइव किल्स एंड डेथ काउंटर कैसे ऐड कर सकते हो, चाहे आप मोबाइल पे लाइव स्ट्रीम करते हो, चाहे आप पीसी से लाइव स्ट्रीम करते हो, आप लोग इस चीज को ऐड कर सकते हो। ये चीज क्या है, ये ऐड करने से क्या होगा, तो ये ऐड करने के बाद आप लोग चाहो तो अपनी स्क्रीन पे कंटिन्यूअसली एक ओवरले दिखा सकते हो, जहां पे कंटिन्यूअसली आपके व्यूअर को दिखते रहेगा कि आज की लाइव स्ट्रीम पे आपने टोटल कितने किल्स किए हैं और आज की लाइव स्ट्रीम पे आप टोटल कितने बार मरे हो अपने गेम में। ये चीज आप लोग अपने स्ट्रीम की स्क्रीन पे कंटिन्यूअसली दिखा सकते हो, जो कि अपडेट होते रहेगा लाइव, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी स्क्रीन पे ये चीज ना दिखाई दे कंटिन्यूअसली, बट आपकी चैट में अगर कोई भी आगे लिखे एक्सक्लेमेशन गेट केडी, तो उसको रिप्लाई आए और उसको पता चले कि आज की लाइव स्ट्रीम पे आपने टोटल कितने किल्स किए हैं और टोटल आपने आप कितने बार मरे हो आज की लाइव स्ट्रीम पे, तो ये चीज भी आप लोग कर सकते हो। अब ये चीज करना कैसे है वो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। डिटेल में मैं तो बताऊंगा, बट डिटेल में आपको समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना बहुत जरूरी है और ध्यान से सुनना भी जरूरी है। तो ईयरफोन लगा के देखो, क्योंकि मैं काफी इंपॉर्टेंट चीजें अपने मुंह से बोलता हूं जो मैं स्क्रीन पे नहीं दिखाता हूं, तो ध्यान से सुनना भी, नहीं तो कुछ स्टेप्स मिस करते हो, बहुत ही जानकारी इंपॉर्टेंट, और बाद में बोलते हो भाई काम ही नहीं कर रहा है, भाई इंपॉर्टेंट ये क्या कहते हैं वर्क ही नहीं कर रहा है, ये अपडेट ही नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह। तो ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो पसंद आएगी आपको पक्का लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो सबसे पहले आप लोगों को एक ब्राउजर ओपन करना, और उस ब्राउजर में आपको जाना है studio.youtube.com की वेबसाइट पे। आप लोग फोन पे भी कर सकते हो ये सारी स्टेप्स, पीसी पे भी कर सकते हो। मैं सारी स्टेप्स पीसी पे करके बताऊंगा, क्योंकि पीसी की स्क्रीन आप लोगों के मोबाइल पे भी पूरी तरीके से अभी दिखाई देगी, तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊंगा कहाँ पे क्या करना है। और अगर आप लोगों के पास पीसी नहीं है तो आप लोग ये सारी स्टेप्स को मोबाइल पे भी कर सकते हो अपने मोबाइल ब्राउजर में, और वहाँ पे ओपन एज अ डेस्कटॉप साइट अगर आप लोग करोगे तो डेस्कटॉप की साइट आपके मोबाइल के भी ब्राउजर में ओपन हो जाती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, studio.youtube.com की वेबसाइट पे जाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा studio.youtube.com, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो studio.youtube.com, सेम टू सेम यही URL आपको डालना है, क्योंकि मैं URL इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग वैसे तो youtube.com की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे बबल पे क्लिक करके अपने DP पे वहाँ पे भी जाके आप लोग ये कर सकते हो ओपन YouTube स्टूडियो, बट ये मैं डायरेक्ट URL इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मोबाइल यूजर जब भी मोबाइल ब्राउजर पे स्टूडियो की वेबसाइट खोलने जाते हैं तो उनका स्टूडियो का ऐप ओपन हो जाता है। तो अगर आप लोग अपने वेबसाइट का मतलब अपने ब्राउजर में डायरेक्ट studio.youtube.com लिख के एंटर करोगे तो डायरेक्ट ये यूट्यूब स्टूडियो की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपने सही चैनल से लॉगिन किया हुआ है या नहीं। आपको वही चैनल से यहाँ पे लॉगिन करना है जिस चैनल पे आप लोग लाइव स्ट्रीम करने वाले हो, ठीक है। वो चैनल से लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे जाना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कम्युनिटी वाले ऑप्शन पे जाना है। कम्युनिटी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में यहाँ पे मॉडरेटर वाले सेक्शन में आपको स्ट्रीम एलिमेंट्स के चैनल को मॉडरेटर बनाना है, ठीक है। स्ट्रीम एलिमेंट्स को मॉडरेटर बनाना है। वो कैसे बनाना है, तो यहाँ पे मैं एक लिंक, ये वाली लिंक जो है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो लिंक को यहाँ से कॉपी करना है, और इसको कॉपी करने के बाद में आप लोग वो लिंक को जैसे यहाँ पे मॉडरेटर वाले सेक्शन में पेस्ट करोगे तो यहाँ पे स्ट्रीम एलिमेंट्स का वेबसाइट दिखाई देगा। अगर ये नहीं दिखाई देता है तो यहाँ पे एक बार बैक करना है एस को और फिर से एक बार टाइप कर देना है एस को, तो वो दिखाई देगा चैनल स्ट्रीम एलिमेंट्स का। इसको सिलेक्ट कर लेना और इसको मॉडरेटर में ऐड कर देना और यहाँ पे नीचे सेव कर देना। तो यहाँ पे हमने स्ट्रीम एलिमेंट्स को एज अ मॉडरेटर ऐड कर दिया। ये स्टेप बहुत जरूरी है, ये स्टेप आपको करना ही है, नहीं तो काम नहीं करेगा। ये स्टेप करने के बाद में आप लोग इस वेबसाइट को बंद कर सकते हो, और अब आपको आना है streamelements.com की वेबसाइट पे। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा streamelements.com की। ये वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ पे आपको लॉग इन उसी चैनल से कर लेना है जिस चैनल पे आप लोग लाइव स्ट्रीम करने वाले हो। तो मैं यहाँ पे उसी यूट्यूब चैनल से लॉग इन कर लूंगा जिसपे मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही लॉग इन कर लोगे उसी यूट्यूब चैनल से जिसपे आप लोग लाइव स्ट्रीम करने वाले हो, तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को जाना है चैट बॉट वाले सेक्शन में। चैट बॉट वाले सेक्शन में जाने के बाद में यहाँ पे चैट कमांड्स वाला सेक्शन है, वहां पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आने के बाद में आपको कस्टम कमांड्स पे जाना है। यहाँ पे कस्टम कमांड्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऐड करना है कमांड। यहाँ पे मैंने पहले से कमांड्स ऐड कर रखे हैं, बट मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है और क्या कमांड ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड न्यू कमांड की बटन होती है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आती है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो ऐसी कुछ स्क्रीन आएगी आपके सामने, जहाँ पे आपको ये सब ऑप्शन फिल करना है, कमांड क्या रहेगा, उसके बाद में कौन उस कमांड को यूज़ कर पाएगा, मतलब वो कमांड अगर कौन चैट में डालेगा तो वो कमांड काम करेगा, और नीचे रिस्पॉन्स, वो कमांड डालने के बाद में रिस्पॉन्स क्या आएगा आपकी चैट में, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों को आपको कमांड में ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो जो चीज़ मैं बताऊंगा वो चीज़ फिल करना है कमांड में, और वो फिल करने के बाद में एक्टिवेट कमांड पे क्लिक कर करके एक एक कमांड ऐड करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कमांड ऐड कर रखे हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को एक कमांड ऐड करना है ऐड किल के लिए, मतलब जैसे ही आप कोई किल करोगे तो आपका मॉडरेटर अगर एक बार एक्सक्लेमेशन ऐड किल करेगा, कमांड में लिखेगा आपके चैट में एक्सक्लेमेशन ऐड किल, वैसे ही आपके किल्स में एक किल बढ़ जाएगा आपकी लाइव स्ट्रीम पे जो
मैंने ओवरले दिखाया था उसमें भी और आपके मतलब गिनती में भी। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो बॉट है वो आपकी किल्स को गिनने वाला है, बट उस बॉट को बताना भी तो पड़ेगा कि अभी एक किल किया है हमने, अभी एक बार मरे हैं हम। तो ये सारी चीज कमांड्स हमको यहाँ पे ऐड करना है। तो सबसे पहले ऐड किल का एक कमांड ऐड करो आप लोग। तो यहाँ पे ऐड न्यू कमांड पे जाओगे तो ये तीन ऑप्शन मिलते हैं आपको। तो वहाँ पे कमांड में लिख दो ऐड किल, ठीक है, ये लिख दो। सेम टू सेम ये सेटिंग्स को आपको यहाँ पे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर लो, यही सेम सेटिंग्स, यही सेम कमांड्स आपको ऐड करने हैं। मॉडरेट यहाँ पे यूजर लेवल आपको मॉडरेटर रखना है, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि हर बंदा हर व्यूअर वहाँ पे ऐड किल करते रहे और वो आपका किल्स बढ़ते रहे जबकि आपने असलियत में किल किया भी नहीं है गेम में। तो यहाँ पे यूजर लेवल को आपको मॉडरेटर रखना है, मतलब कम से कम मॉडरेटर रहेगा तो ही वो ऐड किल का कमांड काम करेगा। अगर आपके चैनल पे मॉडरेटर नहीं है तो आप खुद भी अगर ऐड किल लिखोगे अपनी चैट में, अपनी लाइव चैट में, तो भी आपका जो एक किल है वो बढ़ेगा एक से, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर लेवल मॉडरेटर रख लो कि अगर मॉडरेटर करेगा तो ज्यादा सही रहेगा, है ना, क्योंकि आप तो खेलते रहोगे तो आपका कोई भी एक मॉडरेटर जो है वो कर देगा। तो यहाँ पे यूजर लेवल मॉडरेटर रखो और रिस्पॉन्स में ये लिख दो अपना टूडे, आपका नाम यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, टूडे किल्ड, यहाँ पे डॉलर साइन करली ब्रैकेट के अंदर काउंट किल, ये कमांड डालने से क्या होता है। अब देखो आप लोग इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, पीछे वाले को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट इसको ये कमांड को कुछ छेड़खानी मत करना, क्योंकि ये कमांड डालने से ही जो ये बॉट है वो काउंट करता है कि अभी एक किल हुआ है, वो काउंट भी करता है और उसके बाद में आपकी चैट में रिप्लाई करके बताता भी है ऐसे ही कि आज टोटल इतने किल्स किए हुए हैं ये स्ट्रीमर ने। तो ये मैसेज को आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, बट इस कमांड को मत छेड़ना, इस कमांड को ऐसे कि ऐसे लिख देना, ठीक है। ये सारी कमांड्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप लोग वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो डायरेक्ट, और उसको छेड़खानी मत करना वरना काम नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले ऐड किल का कमांड आपने ऐड कर दिया, उसके बाद में यहाँ पे आप ऐड कमांड कर दोगे। तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ ऐड कमांड करने की जगह, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड कमांड करके रखा है। दूसरा कमांड हम लोग ऐड करेंगे ऐड डेथ का, मतलब अगर आपका मॉडरेटर आपकी चैट में लिखेगा एक्सक्लेमेशन ऐड डेथ, तो वहां पे ये जो बॉट है उसको पता चल जाएगा कि आप एक बार मर चुके हो और आपके जो ओवरले जो हम आगे ऐड करने वाले हैं वहां पे भी एक नंबर जो है वो अपने आप ऐड हो जाएगा आपकी डेथ्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड डेथ कमांड ऐड करना है, इसका भी यूजर लेवल मिनिमम मॉडरेटर रखना है, और नीचे यहाँ पे आपको अपना मैसेज जो है वो लिख देना है, और जहां पे आप नंबर दिखाना चाहते हो किल का वहां पे ये लिखना है डॉलर साइन अंडर करली ब्रैकेट काउंट डेथ। इसको ऐसे की ऐसे ही अगर आप लोग कॉपी कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, इसको छेड़ोगे नहीं तो ज्यादा बेटर रहेगा। बस ये एक्सपोजर की जगह पे आप लोग अपना खुद का नाम डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे कमांड्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, इसको ऐड किल का कमांड ऐड करने के बाद में भी आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दो कमांड आपको मैंने बता दिया क्या क्या लिखना है, उसके बाद में एक कमांड आपको ऐड करना है रीसेट के लिए, क्योंकि आप एक बार आपने लाइव स्ट्रीम एंड कर दिया तो नेक्स्ट टाइम जब आप लोग लाइव स्ट्रीम करोगे तो वहां पे 0-0 रहना चाहिए ना किल्स और डेथ्स। तो यहाँ पे एक कमांड ऐड कर दो, या फिर अगर कभी भी आपको अपना वो नंबर जो है वो रीसेट करना है किल्स और डेथ का, तो आप एक्सक्लेमेशन रीसेट का एक कमांड ऐड कर दो। एक्सक्लेमेशन रीसेट जब भी कोई कमांड में ये चैट में लिखेगा, मतलब मॉडरेटर खास तौर पे मॉडरेटर जैसे करेगा, तो यहाँ पे ये कमांड आप डाल दो सिंपली कि काउंट किल 0 काउंट डेथ 0। सेम ऐसे की ऐसी कमांड दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कॉपी कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका किल्स और डेथ का जो नंबर रहेगा वो 0-0 पे रीसेट हो जाएगा वापस से। ये कमांड भी ऐड कर लो, सेव कर लो, ठीक है। अब उसके बाद में हमको एक कमांड चाहिए कि हमारे स्ट्रीम पे कोई भी अगर व्यूअर आएगा, और कोई भी व्यूअर मतलब कोई भी अगर चैट में आके लिखेगा एक्सक्लेमेशन गेट केडी, तो एक रिप्लाई आना चाहिए बॉट की तरफ से अपने चैट में कि आज की लाइव स्ट्रीम पे ये स्ट्रीमर ने, आप जो भी हो आपका नाम, इसने इतने किल्स किए हैं और इतने बार ये मरा है। तो उसके लिए आपको ये वाला कमांड ऐड करना है एक्सक्लेमेशन गेट केडी का। क्या क्या ऐड करना है, कमांड नेम में आपको लिख देना है एक्सक्लेमेशन गेट केडी, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क तो पहले से रहता है, आपको सिर्फ गेट केडी लिखना है। उसके बाद में यूजर लेवल को यहाँ पे आपको एवरीवन पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि कोई भी अगर ये कमांड आपकी चैट में लिखेगा तो वो काम करना चाहिए, उसको बताना चाहिए। क्या बताएगा, रिस्पॉन्स में ये आएगा टूडे आपका नाम किल्ड इतने बंदे इतने एनिमीज एंड डाइड इतने टाइम्स, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि मैंने पहले बताया सारी चीज को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, बट इन चीजों को मत छेड़ना, ये कमांड को ऐसे के ऐसे ही आप कॉपी पेस्ट कर देना वरना काम नहीं करेगा। ये कमांड ऐड करके सेव कर देना। तो जितने भी कमांड्स थे हमने ऐड कर दिए, एक ऐड कर दिया है कि ये तीन कमांड जो है ऐड किल ऐड डेथ और ऐड ये रीसेट वाला, ये कमांड सिर्फ मॉडरेटर कर सकते हैं, मतलब आप जैसे ही आप किल करोगे या फिर मरोगे तो मॉडरेटर आपका लिखेगा एक्सक्लेमेशन ऐड किल, मॉडरेटर आपका लिखेगा एक्सक्लेमेशन ऐड डेथ। जितने बार भी आप किल करोगे उतने बार आपके मॉडरेटर को आपकी चैट में लिखना पड़ेगा एक्सक्लेमेशन ऐड किल एक्सक्लेमेशन ऐड डेथ, तो वो किल्स और डेथ जो है वो ऐड होते रहेंगे, वो काउंट होते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया सारे कमांड्स, यहाँ तक कमांड्स ऐड करने वाला सीन हो चुका है, और लाइव चैट में आपका जो भी रिप्लाई आने वाला था
वो काम हो चुका है। तो अब मैं डायरेक्टली आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोग उस ओवरले को ऐड करना चाहते हो, आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाना है कि कितने डेथ्स और कितने किल्स हुए हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रीमिंग टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे माय ओवरलेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। माय ओवरलेज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको न्यू ओवरले को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं न्यू ओवरले पे क्लिक करूंगा और एक न्यू ओवरले ऐड करूंगा। यहाँ पे रिजोल्यूशन में अपने ओवरले का 1080p रहने दूंगा, स्टार्ट पे क्लिक करूंगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे ऐड विजेट पे क्लिक करना है। ऐड विजेट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको सबसे पहले एक बैकग्राउंड इमेज हम लोग ऐड करेंगे जो मैंने बना रखा है अपना किल्स और डेथ दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं स्टैटिक कस्टम वाले ऑप्शन पे कर्सर ले जाऊंगा और यहाँ पे इमेज वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, ऐसा डब्बा सा आ जाएगा। इस डब्बे में यहाँ पे सेट इमेज का ऑप्शन होता है यहाँ पे सेटिंग्स में, तो यहाँ पे सेट इमेज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैंने ये इमेज पहले से बना के यहाँ पे अपलोड कर रखा है स्ट्रीम एलिमेंट्स की वेबसाइट पे। अगर आप लोगों को भी ये वाली इमेज चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा इसकी डाउनलोड लिंक, इस इमेज को आप लोग डाउनलोड कर लेना और आप लोग यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर लेना उस इमेज को। और यहाँ पे अपलोड करने के बाद में यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना, तो वो इमेज जो है वो आपके ओवरले में ऐड हो जाएगी। अगर आपको अपना खुद का बनाना है तो आप खुद का भी बना सकते हो एक PNG इमेज, ठीक है। तो ये ऐड करने के बाद में यहाँ पे इसकी साइज को आप लोग ऐसा बड़ा छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से, जितना भी बड़ा आपको रखना है। तो समझ लो अभी आप लोगों को बताने के लिए मैं इतना बड़ा कर लेता हूँ किल्स और डेथ वाली इमेज को, ठीक है। इतना आपने ऐड कर दिया, उसके बाद में आपको दो ऐसे लेबल्स ऐड करने हैं, दो ऐसे लेबल ऐड करने हैं जो आपके किल्स और डेथ का नंबर दिखाएगी, कितने किल्स हुए कितने डेथ हुए हैं। तो आपको यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे फिर से टच करना है, मतलब क्लिक करना है, और उसके बाद में यहाँ पे लेबल्स में जाना है। लेबल्स में जाने के बाद में यहाँ पे अदर में जाना है। अदर में जाने के बाद में यहाँ पे बॉट काउंटर का एक ऑप्शन रहेगा, उसको यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। जैसे आप ऐड कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे करंट विंस करके ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो मैसेज दिखाई दे रहा है करंट विंस और अंडर करली ब्रैकेट विंस, ठीक है, तो इस कमांड को आपको चेंज करना है अपने हिसाब से। अब क्योंकि हमने इमेज ऐड किया हुआ है जहाँ पे पहले से किल्स और डेथ्स लिखा हुआ है, तो हमको ये सामने ये लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ नंबर दिखाना चाहिए कि हम कितने बार मरे हैं और कितने बार हमने मारा है, ठीक है। तो समझ लो ये मैसेज को मैं यहाँ से हटा दूंगा, स्टार्टिंग में से इसको हटा दूंगा, और इसको जो विंस लिखा हुआ है यहाँ पे मैं किल लिख दूंगा, क्योंकि हमारे कमांड में काउंट किल हमने लिखा था कि किल को काउंट करो। तो जैसे अगर आपने मेरा ही कमांड को कॉपी किया है तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, करली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ आप किल लिख दो। देख लो यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में पूरा किल लिखा हुआ है अंडर करली ब्रैकेट, खाली आप किल लिख दो, बस इतना किल लिख दिया आप लोगों ने। उसके बाद में आप इस टेक्स्ट को यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करो एक बार। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नीचे देखो पोजीशन साइज स्टाइल और टेक्स्ट सेटिंग का ऑप्शन होता है, यहाँ पे टेक्स्ट सेटिंग के ऑप्शन में जाओ और यहाँ पे आप लोग फॉन्ट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एरियल यूज करना पसंद करता हूँ, एरियल फॉन्ट सिलेक्ट कर लूंगा मैं। और कलर आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट का अगर आपको कलर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, मैं यहाँ पे ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद में फॉन्ट को बड़ा छोटा करना है तो आप वो भी कर सकते हो, मैं इसको यहाँ पे 26 कर देता हूँ फॉन्ट साइज को। और उसके बाद में यहाँ पे इसको सेंटर अलाइन आप लोग कर दो इस फॉन्ट को, ताकि वो जो नंबर है वो यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे सेंटर में दिखाई देता रहे, ठीक है। अभी वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है आपको, उसके वो उसको कैसे सॉर्ट करना मैं बताता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना है। जैसे आपने ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से सेट कर लिया तो यहाँ पे एक बार किल्स दिखाई देगा। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इस पेज को, क्योंकि यहाँ पे करंट विंस दिखा रहा है जहाँ पे उसको ब्लैंक दिखाना चाहिए एक बॉक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ इस ओवरले को। तो यहाँ पे आप ऊपर अननेम्ड ओवरले करके यहाँ पे आप लोग इस ओवरले को नाम दे दो पहले। तो यहाँ पे नाम हम लोग दे देंगे, क्या नाम देंगे, KD ओवरले, ठीक है। KD ओवरले करके मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे, और नाम देने के बाद में यहाँ पे एक बार सेव कर देता हूँ, ठीक है। इतना मैं सेव कर देता हूँ, जितना भी प्रोग्रेस हमने अभी तक किया वो सेव हो गया। अब यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग इस पेज को। रिफ्रेश करने के बाद में ये देखो ये जो बॉक्स है वो यहाँ पे एकदम छोटा सा हो गया है। देखो ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स ये बॉक्स में हमारा किल दिखाई देगा। देखो हमने किल सिलेक्ट करके रखा है और ये बॉक्स है। अभी ये बॉक्स ब्लैंक है क्योंकि अभी तक एक भी बार कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है हमारी लाइव स्ट्रीम पे किल्स का, इसलिए ब्लैंक है। जैसे ही वहाँ पे एक बार कमांड एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे जो है वो एक नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस बॉक्स को आपको यहाँ पे उसको एडजस्ट करना है प्रॉपरली एकदम इधर सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेंटर में इसको एडजस्ट कर देता हूँ, आप लोग कीबोर्ड की बटन को भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सेंटर में कर दिया। तो ये हो गया हमारा ऐड किल वाला ऑप्शन, तो किल का नंबर ये बॉक्स में दिखाई देगा। अब हमको डेथ्स भी दिखाना है, तो सेम वही करना है, प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको लेबल्स में जाना है, लेबल्स में जाने के बाद में अदर में, अदर में जाने के बाद में बॉट काउंटर, बॉट काउंटर ऐड करने के बाद में यहाँ पे सेम वही विंस को यहाँ पे ये जो सामने का मैसेज है इसको हटा देना है और यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर विंस के जगह पे डेथ्स लिखना है, DEATH डेथ, एस मत लिखना, ठीक है, क्योंकि हमने जो कमांड ऐड किया था उसमें हमने डेथ लिखा था। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर डेथ ऐसे कैसे आपको कॉपी करना है, ऐसे कैसे आपको लिख देना है अपने ओवरले में बनाते हुए। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो काम नहीं करेगा, ठीक है। इसको भी वही चीज कर देना है, टेक्स्ट सेटिंग में आना है आपको और यहाँ पे आपको फॉन्ट अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। मैं एरियल सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे एरियल ही यूज करना है।
क्योंकि वो सही दिखाई देता है यार वहाँ पे। एरियल ब्लैक कर दूंगा कलर फॉन्ट का, और उसके बाद में यहाँ पे इसकी साइज को हम यहाँ पे 26 कर देंगे, और इसको सेंटर अलाइन कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे बाकी चीज आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। ये सारी चीज करने के बाद में इसको भी आपको वही करना है, यहाँ पे सेंटर में करना है, तो मुझे फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं पहले सेव कर देता हूँ, फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इस पेज को। पता नहीं क्या ग्लिच है वो, तो यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। ये बॉक्स जो है वो हमारा आ चुका है। इस बॉक्स को आपको बड़ा कर लेना है, बड़ा करके यहाँ पे सेंटर में बाकायदा उसको रख देना है, कि वो जो मतलब ऐसा दिखना चाहिए कि वो बॉक्स एकदम सेंटर में। तो यहाँ पे हमने इस चीज को जो है वो एडजस्ट कर दिया यहाँ पे सेंटर में। ये चीज आप लोगों ने ऐड कर दिया, हो गया। अब किल्स का नंबर यहाँ दिखाई देगा, डेथ का नंबर यहाँ दिखाई देगा। जब आपने ये सारी चीजें कर लिया, इसको आपको एक बार सेव कर देना है। सेव कर दिया आप लोगों ने, अब उसके बाद में यहाँ पे ये लिंक है, इसको कॉपी करके आप लोगों को ओवरले ऐड करना है अपने OBS स्टूडियो में। अगर आप PC से स्ट्रीम करते हो और मोबाइल से स्ट्रीम करते हो, तो कैमरा फाई लाइव ऐप को यूज करके किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ PC पे कैसे करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग मोबाइल पे कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले PC में करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे कॉपी ओवरले URL यहाँ से लिंक को कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी कर लिया आप लोगों ने, उसके बाद आपको अपना OBS स्टूडियो ओपन करना है। तो मतलब OBS स्टूडियो या फिर जो भी लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर से आप लोग लाइव स्ट्रीम करते हो अपने PC से, वो सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। तो जिस भी सीन में आपको ऐड करना है, वो सीन को सिलेक्ट करके वहाँ पे एक ब्राउजर सोर्स ऐड करना है। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, ब्राउजर सोर्स ऐड करो, और ब्राउजर सोर्स को नाम दे दो जो भी देना है। मैं यहाँ पे KD ओवरले वाला नाम दे देता हूँ, KD ओवरले, और यहाँ पे नाम देने के बाद मैं ओके करूंगा। और यहाँ पे जो लिंक URL डालने वाला ऑप्शन है, यहाँ पे मैं वो URL जो हमने वहाँ से कॉपी किया उसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। इसको आप नहीं चेंज करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट ओके पे क्लिक कर दो। ओके पे आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे वो ओवरले यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ये आ चुका है। अब इसको आपको जहाँ पे भी एडजस्ट करना है वहाँ पे आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। जो स्क्वायर एक्स्ट्रा है उसको आप लोग छोटा भी कर सकते हो, अल्ट की प्रेस करो और इसको ऐसे करके कीबोर्ड में अल्ट की प्रेस करके इसको आप लोग ऐसे OBS स्टूडियो में इसको छोटा कर दो, और इसको जहाँ पे भी आपको एडजस्ट करना है वहाँ पे आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, लगा के यहाँ पे इस ओवरले को लॉक कर दो। तो ये था PC में ऐड करने का सिस्टम। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मोबाइल में कैसे ऐड करना है। अब देखो, ये ओवरले को मोबाइल लाइव स्ट्रीम पे फ्लोट करवाने के लिए और मोबाइल लाइव स्ट्रीम पे दिखाने के लिए आप लोगों को कैमरा फाई लाइव ऐप का यूज करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैमरा फाई लाइव ऐप से आपको लाइव स्ट्रीम करना पड़ेगा, सिर्फ ये ओवरले दिखाने के लिए आपको कैमरा फाई लाइव ऐप का यूज करना पड़ेगा। लाइव स्ट्रीम आप लोग जो भी लाइव स्ट्रीमिंग ऐप से करना पसंद करते हो वो लाइव स्ट्रीमिंग ऐप से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो करना कैसे है कैमरा फाई लाइव ऐप को यूज करके, तो सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा कैमरा फाई लाइव ऐप, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड कर लो। उसके बाद में आप लोग मेरी ये वीडियो को देख लो, ये वीडियो में मैंने बता रखा है कि आपको कैसे कैमरा फाई लाइव ऐप को यूज करके कोई भी चीज, कोई भी URL वाली चीज को कैसे फ्लोट करवाना है अपनी स्क्रीन पे, और लाइव स्ट्रीम किसी भी अदर लाइव स्ट्रीमिंग ऐप से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, और उस वीडियो में मैं टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस डिस्क्रिप्शन में जहां पे मैं लिंक दूंगा उस वीडियो को, वहां पे मैं लिख भी दूंगा कि कौन से टाइम से आपको देखना है। तो आपको पूरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वही टाइम जो मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में वो टाइम से आप लोग उस वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि इस URL को, ये ओवरले वाली URL को कैसे आपको ऐड करना है कैमरा फाई लाइव ऐप में, और कैसे उस चीज को आपको फ्लोट करवाना है, ठीक है। तो चलो अब मैं फटाक से आपको ये चीज एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, मतलब इस ओवरले को लाइव स्ट्रीम करके एक बार आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे काउंट करेगा किल, और कैसे डेथ काउंट करेगा, और कैसे आपकी चैट में बताएगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर लिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पे मेरा स्ट्रीम एलिमेंट्स का जो बॉट है वो भी अभी काम कर रहा है। तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले अपने किल्स को काउंट करवाने के लिए, अगर मैं यहाँ पे आपको OBS स्टूडियो में एक बार ओवरले दिखा दूँ, तो ये OBS स्टूडियो से मेरी समझ लो लाइव स्ट्रीम हो रही है, और यहाँ पे मैं राइट साइड में अपनी चैट रख लेता हूँ, और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो किल्स और डेथ्स 0-0 दिखा रहा है। तो वो 0-0 नंबर इसलिए आ गया क्योंकि मैंने एक बार अभी यहाँ पे ट्राई किया था, तो उसके वजह से यहाँ पे नंबर जो है वो ऐड हो चुका है। तो अब जब भी आपके लाइव स्ट्रीम की चैट में कोई आपका मॉडरेटर एक्सक्लेमेशन ऐड किल लिखेगा, एक्सक्लेमेशन ऐड किल जैसे लिखेगा आपके चैट में, वैसे यहाँ पे आपका जो किल्स का नंबर है वो 0 से 1 हो जाएगा, एक किल जो है वो ऐड हो जाएगा। अभी आप लोग देखो यहाँ पे 1 हो चुका है, और यहाँ पे आपको रिप्लाई भी आएगा बॉट की तरफ से, आपको मैं दिखाता हूँ चैट में, यहाँ पे चैट में बॉट रिप्लाई भी करेगा कि टुडे एक्सपोजर, ये देखो टुडे एक्सपोजर किल्ड 1 एनिमी, तो जो हमने रिस्पॉन्स में ऐड किया था कमेंट में वो यहाँ पे रिस्पॉन्स भी आ गया। सेम ऐसे जैसे आप मरोगे अपनी गेम खेलते हो अपने लाइव स्ट्रीम पे, तो आपके मॉडरेटर को बस यहाँ पे ऐड DEATH ऐड डेथ ऐसे कमांड लिखना है और एंटर कर देना है। अपने मोबाइल से भी ओके लिख सकता है, एंटर नहीं तो कुछ भी करेगा, तो ठीक है। जैसे ऐड डेथ लिखेगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेथ का भी एक नंबर जो है हमारे ओवरले में वो ऐड हो चुका है। तो सेम ऐसे आपके मोबाइल पे भी ऐड होते रहेगा, और मरो फिर ऐड DEATH ऐड डेथ एट डेथ, जितने बार वो एट डेथ आपका मॉडरेटर लिखेगा, या फिर मॉडरेटर नहीं है तो आप खुद जितने बार चैट में एट डेथ लिखोगे उतने बार आपकी डेथ ऐड होगी, जितने बार आप ऐड किल लिखोगे एक्सक्लेमेशन ऐड किल उतने बार आपका किल ऐड होगा। अब समझ लो आपको अगर इस चीज को रीसेट करना है, 0-0 पे रीसेट करना है, तो आप लोगों को यहाँ पे एक्सक्लेमेशन रीसेट लिख देना है। जैसे आप एक्सक्लेमेशन रीसेट लिख दोगे और एंटर करोगे, तो ये जो किल्स और डेथ है ये 0-0 हो जाएगा वापस से। और अगर आपके
लाइव स्ट्रीम पे जो भी व्यूवर्स है उनको देखना है, समझ लो आप ओवरले नहीं रख रहे हो बट आप चाहते हो कि आपके व्यूवर्स कभी भी अगर एक्सक्लेमेशन क्या गेट केडी लिखेगा, गेट केडी ठीक है, एक्सक्लेमेशन गेट केडी अगर आपके चैट में कोई भी लिखेगा और एंटर कर देगा तो वो गेट केडी लिखने के बाद में बॉट उसको रिप्लाई करके बताएगा कि आज की लाइव स्ट्रीम पे आपने कितने किल्स किए और कितने बार आप मरे हो। तो यहाँ पे क्योंकि हमने रीसेट करके 0-0 कर दिया तो वो बता रहा है टुडे एक्सपोजर किल्ड 0 एनिमीज एंड डाइड 0 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे सब चीज एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है, आप भी ऐड करो, आप भी काम करवाओ। और हाँ एक चीज और कि अब आप लोग अगर मोबाइल से ये चीज करोगे, मोबाइल से ओवरले बनाओगे तो यहाँ पे हो सकता है कि ये चीज अच्छे से आप लोग पोजीशन ना कर पाओ, क्योंकि हम माउस से तो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग वैक कर सकता हूँ बट मोबाइल यूजर्स के लिए दिक्कत हो सकती है इन सारी चीजों को सही जगह पे प्लेस करने के लिए। तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे अपनी पूरी सेटिंग दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इमेज का मैं यहाँ पे इमेज सिलेक्ट करके रखता हूँ, इमेज की पोजीशन साइज और स्टाइल में आप लोगों को ये सेम यही चीज आप लोग फिल कर लो अपने मोबाइल से। इमेज अपलोड करने के बाद में आपको सेट यहाँ पे जाना है पोजीशन साइज एंड स्टाइल वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे विड्थ और हाइट को ये रख देना है, टॉप और लेफ्ट को ये पिक्सल रख देना है, सेम यही नंबर आप लोग पेस्ट कर दो, ये इमेज यही जगह पे प्लेस हो जाएगी। उसके बाद में किल वाला जो नंबर है उसको प्लेस करने के लिए यहाँ पे आप लोग इसका विड्थ ये रखो, हाइट ये रखो और टॉप से इतना साइड में रखो, नीचे रखो और लेफ्ट से इतना ये कर दो। तो ये सेम नंबर्स आप लोग फिल कर लो अपने मोबाइल में तो इनका पोजीशन सेम यही तरीके से हो जाएगा। डेथ वाले काउंट को भी आप लोग ये रख सकते हो 73-65, टॉप से 38 पिक्सल, लेफ्ट से 202 पिक्सल। ये सेम सेटिंग्स को आप लोग अप्लाई कर दो और अप्लाई जैसे कर दोगे सारी पोजीशन एकदम सही हो जाएगी, जैसे मैंने कर रखी है वैसी हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यार कि ये सारी स्टेप्स आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे और अच्छे से इस चीज़ को करोगे। वीडियो बहुत लंबी बनी है ये मुझे पक्का पता है, तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।